हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में रिपोर्टर मम्मी व्लॉग्स में। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? मैं खुशबू आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना आपको मेरा ये लुक, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैं कहाँ जा रही हूँ अभी तो आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। ये मेरे घर से काफ़ी दूर नहीं, ये मेरे सोसाइटी देख रहे हैं आप लोग, और ये मेरे सोसाइटी का मेन गेट है, और उससे निकल के मैं बाहर अभी रोड पर आ गई हूँ। अब बस रोड को क्रॉस करके बस मुझे उसी तरफ जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। बट कहाँ जाना ये अभी आपको यू नो वहाँ की आवाज़ से, वहाँ के माहौल से ही पता चल जाएगा, बिकॉज इतना डिवाइन, इतना पावन, इतना पवित्र है। मतलब बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ मैं। प्लीज़ देखिए आप लोग, और आप लोग भी आनंद लीजिए, बिकॉज मैं उस जो आगे की जो वीडियोज़ हैं उनको ना मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगी और ना ही मैं उसमें अपना वॉइस ओवर दूँगी। वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन्जॉय करें जो मैंने यू नो इन्जॉय किया, वो आप लोग भी करें। मैं तो ज़्यादा तो नहीं आप लोगों के लिए कैप्चर कर पाई हूँ, बट जो भी है थोड़ा बहुत वो आप लोग सुनिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। कीप वॉचिंग। मैं पापी हूँ, यदि मैं पापी आप भगवान हो तो मैं पापी। अब भगवान संकुचित हो गए और भगवान स्वयं बाली से कहने लगे, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग?
आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं रामकथा का आनंद लेने गई थी। जी हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से, मतलब आज आठवां दिन था, एक सप्ताह से रामकथा हो रहा था, बट मैं नहीं जा पा रही थी बिकॉज दोनों को लेकर, मतलब लाडो और राघव दोनों को लेकर यू नो वहाँ पर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इसी वजह से। तो आज इनकी छुट्टी थी तो आज मैं गई थी। हाँ सोना, हाँ सोना, तो ये देखिए लाडो इधर है, लाडो भी बातें कर ली। क्या बोल रही हो सोना मनी, क्या बोल रही हो? आप नहीं गई थी? अब बड़ी हो जाएगी तो आपको भी लेकर चलेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी मैं जस्ट राम कथा से आई हूँ और अब मुझे खाना बनाना है। क्या हुआ, मेरे पल्लू कहाँ फंस गए? और मुझे खाना बनाना है और जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, काफ़ी थक गई हूँ। मेरी साड़ी कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट में बताना। हाँ सोना, टूना टूना, चलिए मैं फटाक से रोटी बना लेती हूँ, भाजी बना लेती हूँ। अब तो मुझे चेंज करने का भी टाइम नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है रोटी फटाक से बना लूँ फिर चेंज करूँ, मतलब बहुत थकान भी हो गई लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ सोना मानी, चलिए मेरे घर की, मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा सब कुछ ठीक करने में। मतलब देखो ना, दो घंटे के लिए भी घर से बाहर चले जाऊँ तो घर ऐसा हो जाता है जैसे क्या बताऊँ। ये दूध पहले पकने के लिए रख दिया बिकॉज लू दूध ख़त्म हो गया था पीने वाला। और लाडो वहाँ से आवाज़ें मार रही है, जा रही रोटी बनाने। देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ। क्या करूँ, कोई घर पे है नहीं ना इस वक्त, तो लाडो को देखने के लिए अभी जब तक वो खेल रही है मैंने सोचा अपना काम निपटा लूँ। और आप लोगों को बता दूँ, उस दिन आज मतलब डिनर करने में भी काफ़ी लेट हो गया था मुझे, क्योंकि अभी मैं रामकथा से आई थी 9:30 को घर पर। और ये देखिए लाडो बीच में रोने लगी, तो मैं उसको लेकर रोटियाँ सेक रही हूँ। हाँ, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये न्यू बॉर्न, मतलब जब एकदम बॉर्न हुई थी पहला महीना चल रहा था, पहला महीना भी नहीं 20 दिन की थी, तब से ये सिलसिला चालू है। मैं उसको लेकर काफ़ी काम करती हूँ और अब तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट क्या करूँ, दिस इज़ लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस एंड गो ऑन विद इट, तो इट्स ओके। तो मुझे ऐसा भी इतना कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ रहना और ऐसे इस तरह से काम करना। हेलो दोस्तों, मेरी सब्जी पक रही है, रोटी फाइनली सेक ली। बहुत ही यू नो बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ मुझे आज रोटी सेकने में बिकॉज लाडू भी पीछे रोने लगी थी और घर में उसका कोई था भी नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ बट ठीक है, होता है ये सब, तो स्ट्रगल का सामना एक औरत को, एक होम मेकर को स्पेशली करना ही पड़ता है। एंड विद टू बेबीज दैट्स नॉर्मल, जब वो बॉर्न हुई थी तो मैंने इससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था, बट इसी वजह से मैं उस वक्त ब्लॉग नहीं बनाती थी बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा परेशान और इतनी ज़्यादा उलझी कामों में रहती थी कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी। आप लोगों को बता दूँ, ये 10:30 मे बी 10:45 हो रहा है और मैं यहाँ सबको खाना परोस रही हूँ लाडो को सुलाकर। जी हाँ, लाडो को मैंने सुला दिया है और अब मैं धीरे धीरे से यू नो स्लोली स्लोली सबको खाना निकाल रही हूँ कि उसका आवाज ना जाए बिकॉज वो वहीं बेड पे सो रही है। और चलिए खाना निकाल लेती हूँ। मैंने चेंज भी कर लिया, लाडो को सुला भी दिया, इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। ये देखिए रोटी भाजी बन गई है, अब जा रही हूँ आगे सबको खाना देने के लिए। पापा का खाना पहले पापा को दे देती हूँ। तो ये मेरा डिनर है, आज की सब्जी जो मैंने बनाई थी आलू मटर बैंगन टमाटो सब मिक्स करके, वो रोटियाँ और ये सुबह की भिंडी की सब्जी है। भिंडी इज़ माय मोस्ट फेवरेट, भिंडी में मैंने खूब सारा ऑनियन डाल के बनाया है एंड इट वाज रियली यमी एंड क्रंची, तो इसलिए मैंने अपने लिए रखा था, मैंने बोला था मैं शाम को भी यही खाऊँगी। और अब चलिए मैं डिनर करने जा रही हूँ गाइस, बहुत ज़ोर की भूख लगी, एक्चुअली बहुत थक गई थी वहाँ पर लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं मतलब बहुत रिग्रेट कर रही थी कि मैं रोज़ नहीं जा पाई राम कथा सुनने, शायद मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है क्योंकि लाडो सो रही है। भिंडी रोटी ऑल टाइम फेवरेट। भूख लगा इसलिए खाना इतना टेस्टी लग रहा है, सच में बना आई डोंट नो, अब मैं खुद की तारीफ कैसे कर सकती हूँ।
हाँ वैसे खुद की तारीफ से मुझे याद आया, आज हम लोग जो टिप की बात करने वाले हैं ना, मैं रुक के बताती हूँ, इतने धीरे से बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, खा लेती हूँ फिर बताती हूँ।